नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी, वेलकम टू बांग्ला कृषि कमर। जैसे हमारा जो बिजनेस है वो है मछली के सीडो का, हम ऑल ओवर इंडिया से मछली बीज भिजवाते हैं और साथ ही साथ जो हमसे सीड लेता है उसके फ्री में हम लोग कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। इंडिया में देखा जाए तो तीनों वेराइटी का टेंगरा मछली मिलता है। एक होता है देसी टेंगरा, एक होता है गुलशा टेंगरा और एक होता है नोना टेंगरा। गुलशा के बारे में मैंने बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें अपलोड कर दिया है, चाहे तो आप देख सकते हो। तो आज हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं नोना टेंगरा के बारे में। नोना टेंगरा एक बहुत ही प्रॉफिटेबल फिश फार्मिंग है और इसका अच्छी बात यह है कि हम लोग जो ब्रैकिश वाटर है यानी कि खारा पानी है उसमें भी बहुत अच्छे इसको फार्मिंग होता है, और जो मीठा पानी है यानी कि फ्रेश वाटर है उसमें भी बहुत अच्छे फार्मिंग हो जाता है। ब्रैकिश वाटर हम लोग जब फार्मिंग करते हैं तभी हमको सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि ब्रैकिश वाटर में बहुत ही कम लिमिटेड वैरायटी का मछली हमको मिलता है फार्मिंग करने के लिए। तो ये जो वैरायटी है ये आप उसके साथ जोड़ सकते हो अगर आपके आसपास लोकल डिमांड हो तो। और फ्रेश वाटर के लिए तो बहुत से वैरायटी है, साथ में ये वैरायटी भी आप जुड़ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। फ्रेश वाटर की बात कर रहा हूँ, आपका आसपास अगर जगह में जहाँ पर पंगास, सिंघी, कवाई ये सब का डिमांड है उस जगह आप नोना टेंगरा का प्रमोशन कर सकते हो, क्योंकि कुछ मछली ऐसे है जैसे पंगास आप रेगुलर बेसिस उसको करते जाएंगे तो अगर आप चाहते हो जो हाई वैल्यू फिशेस हम एक रेगुलर मार्केट पंगास का हो जाता है इसलिए ज़्यादा रेट आपको नहीं मिलता तो आप उस जगह इसको प्रमोट कर सकते हो ये नोना टेंगरा को। नोना टेंगरा जैसे मैंने बताया ये इन जनरल 6 महीना का आसपास का कल्चर पीरियड होता है। 6 महीनों में इसको 50 से 60 ग्राम के आसपास वेट हो जाता है और ये जो मछली है ये आपको हैचरी से फ्राई साइज ही मिलेगा। और फ्राई साइज मछली अगर आप वेस्ट बंगाल का बाहर हो तो आपको फ्राई साइज ही मिलेगा। फ्राई साइज का मछली के बारे में मैं बार बार ये बताता हूँ कि आप एक बार नर्सरी करने के बाद ही उसको डालिएगा। मान लीजिए आपके आसपास अगर आपका जो पौंड है वो 1 एकड़ का पौंड हो तो उसका 15 से 20% उसका आप यूज करिए एज एन नर्सरी। नर्सरी में यूज करने के बाद 20 से 25 दिन ये 1 महीना रखने के बाद ही आप स्टॉकिंग पॉन्ड में डालिएगा। ये जो आप 1 एकड़ में आप कितना परसेंटेज डालेंगे इसके ऊपर भी एक मैं बोलना चाहता हूँ कि आपके आसपास आपके पास अगर मान लीजिए पानी बदलने का सुविधा है नहीं, आपके पास अगर एयरेशन का सुविधा है नहीं तो आपका एकड़ में यानी कि 100 डेसीमेल में आप 40 से 50 हजार पीसेस आप आसानी से डाल सकते हो। इसमें पानी बदलने का या एयरेशन लगाने का नोना टेंगरा में कोई जरूरत नहीं है। नोना टेंगरा का जो पॉन्ड प्रिपरेशन है वो गुलशा जैसा ही है, गुलशा की तरह भी आप इसको पॉन्ड प्रिपरेशन कर सकते हो। पीएच लेवल नॉर्मल 7.5 to 8 के आसपास अगर रहे तो बहुत ही अच्छा है और एमोनिया तो 0 होना चाहिए, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। नोना टेंगरा या टेंगरा फार्मिंग में या चाहे वो गुलशा हो, देसी हो या नोना टेंगरा हो, इसका जो हम लोग रेगुलर बेसिस एक नॉर्मल सा फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं पॉन्ड में यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का हम लोग जब भी देते हैं कुछ हमारा फार्मिंग में जब भी हम लगाते हैं, लेकिन टेंगरा फार्मिंग में ज़्यादा ये लगाने का आपको ज़रूरत है नहीं। मैं तो कंसंट्रेट आपको बोलूँगा कि ये हाई वैल्यू फिशेस है इसीलिए आपको इसका जो खाना है खाने के ऊपर को बहुत ही ध्यान देना है। हाई वैल्यू फिशेस है, खाना भी वैल्यू जैसा होगा यानी कि आपको 35 to 40% के आसपास प्रोटीन स्टार्टिंग पीरियड और बाद में 30 to 35% का प्रोटीन का आप ख्याल रख के आप पालन कीजिए। मिक्स फार्मिंग में यानी कि जो उसके साथ भी और भी कोई मछली पालन करना चाहते हैं कर सकते हो, रोहू कतला जैसे मछली आप आसानी से इसके साथ पाल सकते हो। लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि हम लोग जब भी हाई वैल्यू फिशेस का फार्मिंग करते हैं तो उसके साथ हम ऐसे कुछ मछली ना डालें जो जिसको हमको खाना भी बहुत उसके पास चला गया और मेरा जो हाई वैल्यू फिशेस है उसका रेट का हिसाब से मैं जो वो रेट वो मछली डाला था जिसका हाई वैल्यू है नहीं लेकिन जो खाना गया कमर्शियल खाना का रेट अभी बहुत ही ज़्यादा है, जो खाना चला गया वो रेट का हिसाब से नहीं चल रहा है, यानी कि जब भी हम रोहू कतला को बेचने जा रहे हैं तो एक नॉर्मल सा रेगुलर सा मार्केट होता है, वो मार्केट में आपको उसके ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता,
उपरंतु वहां पर आपको बहुत सारे कॉस्टिंग का फिट चला गया है जो आपको नोना या गुलशा टंग रखे लगने वाला था। अगर गुलशा को हम देखे 400 से 350 से 400 रुपया केजी और उपरंत देखा जाए तो रोहू कतला का भाव तो आपको मालूम ही है। तो मेरा ख्याल से आप कोई भी हाई वैल्यू फिशेस में सिंगल कल्चर मैं प्रिफर करता हूँ। हाँ, ऐसे कर सकते हो पानी का कुछ पैरामीटर ठीक रखने से वजह से कुछ सिल्वर कार्प हो, कुछ ग्रास कार्प हो, कुछ कतला जैसा मछली नॉर्मल सा आप डाल के रख सकते हो, लेकिन आपको फोकस मोनो यानी कि सिंगल कल्चर के ऊपर ही रहेगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिए, आप मिक्स कल्चर बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है आप सिंगल कल्चर कीजिए। आप अगर कमर्शियल दाना देके मछली पालन कर रहे हैं तो कमर्शियल दाना और साथ में जो पॉन्ड प्रिपरेशन हम नॉर्मल से ही पॉन्ड प्रिपरेशन करेंगे, जैसे गुलशा में हम लोग करते हैं चूना वगैरह गोबर डाल के नॉर्मल से ही पॉन्ड प्रिपरेशन करिए, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा केयर लेने का जरूरत नहीं है। और इसको 3.5 से 4 फीट के आसपास हम लोग पानी का रखेंगे जब भी हम बहुत सारे धूप में हो। अगर धूप कम हो तो हम 3 से 3.5 फीट के आसपास पानी हमारा पॉन्ड में रख सकते हैं जो हमारा स्टॉकिंग पॉन्ड हो। नर्सरी पॉन्ड में थोड़ा सा कम पानी रखेंगे तो भी चलेगा। पानी बदलने का सुविधा अगर हो तो बहुत ही अच्छा है। आपके पास वो अगर है नहीं तो रेगुलर बेसिस यानी कि महीनों में एक बार चूना का उपयोग कीजिए, महीनों में एक बार अगर आपका नून यानी कि सॉल्ट का उपयोग कीजिए, महीनों में एक बार आप एक बार जियोलाइट का उपयोग कीजिए। अगर नून और यानी कि सॉल्ट और चूना का उपयोग ना करके अगर आप पूरा कमर्शियल तरीके करेंगे तो आप वाटर सॉइल प्रोबायोटिक यूज कर सकते हो और जियोलाइट तो यूज कर सकते हो, ऐसे कुछ आप यूज कर सकते हो उसका जगह में। और महीनों में एक बार नून के जगह आप बीकेसी, अगर आपको बजट परमिट करे तो बीकेसी आप यूज कर सकते हो। जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तभी महीनों में एक बार यूज कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम देखा तो महीनों में हो सकता है 2-3 बार, 2 बार तो मिनिमम आपको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर प्रॉब्लम नहीं देखा, ऐसे नहीं होगा कि प्रॉब्लम नहीं देखा तो मैं नहीं दूंगा, नहीं, महीनों में एक बार आप जरूर दीजिए। नून के जगह आप बीकेसी देख सकते हो, बीकेसी जगह आप नून दे सकते हो, जियोलाइट यूज कर सकते हो और वाटर सॉइल प्रोबायोटिक यूज कर सकते हो, अगर चूना है तो चूना यूज कर सकते हो। लेकिन चूना को आपको जानती है मैं बोलता हूँ डायरेक्ट ना देखे 48 या 72 आवर्स उसको पूरा एकदम पानी में घुला के उसके बाद या दीजिए। घुलंट एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है नोना टेंगरा या टेंगरा फार्मिंग में, तो वो आपको देखना है, पानी का डेंसिटी बहुत ही अच्छे से चेक करके आपको ये पालन करना है। जिसका पॉन्ड में पीएच का बहुत सारे फ्लैक्चुएट होता है, कुछ टाइम 10 के, कुछ टाइम 3-4 के, ऐसे कुछ होता है, बहुत सारे आपको दिमाग खराब हो जाता है, तभी आप जिप्सम के यूज कर सकते हो। लेकिन जिप्सम का मात्रा मैं जिप्सम के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसके ऊपर आप देख लीजिएगा वो आप कैसे पीएच को ठीक रख सकते हो। तो वो रेगुलर बेसिस आप देख सकते हो अगर आपका पानी में पीएच का बहुत सारा फ्लैक्चुएशन है। तो जैसे मैंने बताया 6 महीनों का इन जनरल कल्चर होता है। वेस्ट बंगाल के तरफ से हमारा बंगाल से बात करो, बंगाल में एक नोना टेंगरा मोटा मोटी मान के चलिए कमर्शियल फीड देके सब कुछ मिला के 80 से 90 रुपया केजी में पूरा प्रोडक्शन हो जाता है यहाँ पर हिसाब से। मैं यहाँ का हिसाब आपके स्टेट में नहीं बोल सकता क्योंकि आपके स्टेट का फीड का कॉस्टिंग ज्यादा हो सकता है या कम भी हो सकता है, लेबर कॉस्ट आपके वहाँ ज्यादा हो सकता है कम भी हो सकता है, इसीलिए हमारा यहाँ मोटा मोटी मान के चलिए केजी में 80 से 90 रुपया के आसपास यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है आपके हिसाब से देखिए। और स्टॉकिंग डेंसिटी जैसे मैंने बताया वो बहुत ही ख्याल रखिए। नया फार्मरों के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप हाई डेंसिटी का मतलब ये जो ख्याल होता है ये दिमाग से हटा दीजिए। पहले टाइम है लो डेंसिटी या मीडियम डेंसिटी में आप फार्मिंग शुरू कीजिए, उसके बाद तो मछली कहाँ जा रहा है, आप नेक्स्ट साल अगर प्रॉफिटेबल देखा तो नेक्स्ट साल आप मोटिवेटेड होकर आगे जाएंगे। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं होगा कि आप अगर इस टाइम में ज्यादा मछली का स्टॉकिंग कर दिया और दिमाग पूरा घूम गया है कि क्या करूं, यह प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम आ रहा है। इसके ऊपर भी आपको देखना है कि प्रॉब्लम आने के बाद नेक्स्ट टाइम आपको मछली फार्मिंग के बारे में नहीं तो सोचेंगे या नहीं तो किसको बोलेंगे, हाँ भाई मछली फार्मिंग करो इसको प्रॉफिटेबल है। इसलिए जो नया फार्मर है, नया युवा है इस फार्मिंग में आना चाहते हैं
और हाई वैल्यू फिशेज से शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपको देखना है कि मैं लो या मीडियम डेंसिटी में करूं और इससे मैं कुछ सीखूं, आप आगे जाके मैं और भी डेंसिटी या और भी मछली पालन का वैरायटी मछली का पालन कर सकता हूं। तो मोटा मोटी यही चार्ट है। और खाने का देने का चार्ट मैं सभी मछली का कोशिश करता हूं कि खाना कैसे देंगे, खाना क्या क्या देना चाहिए और कैसे बॉडी वेट का हिसाब से खाना देना चाहिए, इसके ऊपर मैं जल्दी एक वीडियो डालूंगा जो गुलशा के लिए और नोना टेंगरा दोनों के लिए ही बहुत ही काम में आएगा। तो आप नोना टेंगरा को प्रमोट कीजिए, नया मछली को प्रमोट करना है तभी हम आगे जाके प्रॉफिट ज्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि रेगुलर मछली जो चलता है उसका रेट भी रेगुलर बेसिस से मिलता है, हमारे पास कुछ आते जाते नहीं है, जस्ट मछली पालन चल रहा है, बस वही कंटिन्यू बेसिस चल रहा है। लेकिन जिसके पास इतना बड़ा पॉन्ड है नहीं, जिसके पास पॉन्ड छोटा है, कैटफिश जैसा मछली के लिए उसके सूटेबल है, और कैटफिश जैसा मछली में ये नोना टेंगरा आप बहुत ही आसानी से आप पाल सकते हो, इसका पालने का ज्यादा कोई झंझट वगैरह आते नहीं। जैसे कुछ प्रिकॉशन मैंने बता दिया, वो प्रिकॉशन का ख्याल रखिएगा, मछली अगर खाना छोड़ दिया तो खाना कम कर दिया या छोड़ दिया तो जरूर आप देखिएगा आपका जो पीएच से लेके वो एमोनिया से लेके ये पैरामीटर क्या है, डीजल ऑक्सीजन का पैरामीटर क्या है, सब कुछ आपको देखना है। चून का उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइमिंग करना मत भूलिएगा, लाइमिंग जरूर कीजिए। फर्टिलाइजर का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर टेंगरा फार्मिंग में कम करिए तो भी चलेगा, या ना करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए छोटा वाला जमीन रहेगा तो भी प्लांकटन को ऊपर ध्यान देना है, उसके बाद में जाके प्लांकटन नहीं हो तो टेंगरा फार्मिंग में चला जाएगा, कोई जैसा है इसका ज्यादा कुछ इंटरेस्ट है नहीं, तो ये बात सब कुछ ध्यान में रख के आपको नोना टेंगरा का फार्मिंग करना है। उम्मीद है कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर पाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक मन में ख्याल आता है नोना टेंगरा होते क्या है, नोना टेंगरा एक्चुअली हम पाल सकते हैं नहीं। गुलशा टेंगरा में भी जो सैलिनिटी है 2-3-4 सैलिनिटी वो भी सैल लेते, लेकिन सैलना और उसको ग्रोथ होना इसमें बहुत ही फर्क है। मैं कुछ टाइम बोलता है दादा वो भी तो सैलिनिटी सैल लेते हैं, जी बिल्कुल वो सहनशीलता हो सकता है, लेकिन उसका ग्रोथ क्या है ये आपको देखना पड़ेगा। सहनशीलता का मतलब ग्रोथ नहीं, जी हाँ वो फार्मिंग सक्सेसफुली होगा। मैं हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है भाई 2-3 सैलिनिटी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, लेकिन चल जाएगा और ग्रोथ में बढ़िया फर्क है। तो जहां पर सैलिनिटी वाटर है वहां पर 2-3 का भी सैलिनिटी वाटर है, आप डायरेक्ट प्रिफर कीजिए नोना टेंगरा के ऊपर, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। उम्मीद है कि छोटे से इंफॉर्मेशन के दौरान मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे पाऊं, अगर आपको काम आए तो बांग्ला कृषि खमार के यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और मैं पार्ट बाय पार्ट बहुत सारे इंफॉर्मेशन जोड़ जोड़ के वीडियो बनाता हूं। जैसे आप अगर पूरा चैनल का वीडियो देखेंगे एक साथ में तो शायद मछली फार्मिंग का कुछ सर्किल आपको कंप्लीट नजर आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, सब अच्छे रहिए, सुस्त रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।